तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल इंपीरियल ड्रैगन में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पोकेमोन गो GBL के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिनको पोकेमोन गो में XP ग्राइंड करना पसंद है, शाइनी पोकेमोन पकड़ना बहुत पसंद है, और कुछ लोग मेरे जैसे जिनको GBL खेलना बहुत ही पसंद है। और दोस्तों, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको समझ नहीं आता कि कौन से पोकेमोन यूज़ करें, लेजेंड्री पोकेमोन यूज़ करें, नॉन लेजेंड्री पोकेमोन यूज़ करें। देखिए दोस्तों, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बढ़िया होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा अल्ट्रा लीग स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक लेजेंड्री पोकेमोन गिराटीना के बारे में। दोस्तों, गिराटीना एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो हमारी अल्ट्रा लीग है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, आज हमारी टीम में होंगे गिराटीना, एम्पोलियन एंड एलोयन मक। तो दोस्तों, बैटल स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी, तो फटाफट से कर दो यार। हम अपना पहला बैटल शुरू करने जाएंगे, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे गिराटीना के सामने आ चुके हैं हमारे टेफ्लोजन। तो दोस्तों, बंदे ने स्वाइप कर लिया है ड्रैगोनाइट में। तो दोस्तों, ड्रैगोनाइट एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जिसपे हमारे ड्रैगन मूव्स का असर बहुत ही ज़्यादा होएगा। यहाँ पर सामने वाले बंदे ने दोस्तों शील्ड यूज़ कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे बंदा ड्रैगन ब्रेथ यूज़ नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई। तो दोस्तों, पहले ड्रैगन क्लॉ पे हमने शील्ड यूज़ नहीं करी है क्योंकि दोस्तों हम एक हद से हद दोस्तों दो ड्रैगन क्लॉ बर्दाश्त कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, बंदा दूसरी शील्ड अपनी यूज़ करता है। दोस्तों, बंदे ने अपनी दूसरी शील्ड भी यूज़ कर ली है। तो दोस्तों, अब मैं फटाफट से तीसरे अपने ड्रैगन। तो दोस्तों, सामने वाले बंदे का ड्रैगन क्लॉ पहले आ रहा है। अब मैं एक शील्ड यूज़ करूँगा क्योंकि हमारी हेल्थ दोस्तों बहुत ही कम रह गई है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ करके इसको ख़त्म करूँगा, मतलब फिनिश कर दूँगा ड्रैगन क्लॉ से ड्रैगोनाइट को। नहीं दोस्तों, अभी ड्रैगोनाइट सरवाइव कर रहा है, थोड़ा बहुत ड्रैगोनाइट ने सरवाइव करा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब बंदा लेके आया है रोज रेड। दोस्तों, रोज रेड पे मैं शेडो स्नीक की तरफ जाऊँगा। दोस्तों, गोस्ट मूव्स का अपने जो ग्रास टाइप पोकेमोन होते हैं उन पे असर बहुत ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों, अब मैं सामने वाले बंदे का दोस्तों अटैक आ गया। मैं यहाँ पे शील्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि दोस्तों हमारे पास बैक में मक है जो कि एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है। दोस्तों, सामने वाले बंदे का अटैक आ चुका है। दोस्तों, ये ग्रंटी से अपना वेदर बॉल करेगा, वेदर बॉल का कुछ खास असर होता नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ पे डार्क पल्स की तरफ जाना चाहूँगा। दोस्तों, देखिए बंदा सामने वाला ख़त्म। तो दोस्तों, अब बंदा लेके आ चुका है टेफ्लोजन। दोस्तों, टेफ्लोजन एक फायर टाइप पोकेमोन है। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे शील्ड यूज़ कर लिया है। ये मैच दोस्तों हम बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है कि हम जीत चुके हैं। हमारे पास बैक में एम्फोलियन है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे स्लज वेव की तरफ जाऊँगा क्योंकि फायर पे पॉइजन टाइप का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैंने गिराटीना के साथ ये मैच ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, देखिए इन्होंने यहाँ पे यू विन भी शो कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे अपना पहला बैटल जीत चुके हैं। दोस्तों, ये टीम एक जो हमारी अल्ट्रा लीग है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि पहले सामने वाला आपको लीड मिल रही है क्या मिल रहा है। दोस्तों, दूसरे बैटल की तरफ बढ़ेंगे, लेट्स बिगिन।
तो दोस्तों यहाँ पे गिराटीना के सामने आ चुका है म्यू टू। दोस्तों म्यू टू एक साइकिक टाइप पोकेमोन है जिस पर हमारे गोस्ट टाइप मूव्स का कुछ ज़्यादा ही असर होएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे शेडो स्नीक ना करके ड्रैगन क्लॉ की तरफ जाना चाहूँगा ताकि बंदा शील्ड यूज़ कर ले। दोस्तों कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। दोस्तों बंदे ने शील्ड यूज़ कर ली। दोस्तों अब हम म्यू टू का अटैक आया, तो दोस्तों म्यू टू शेडो बॉल भी कर सकता है, साइड स्ट्राइक भी कर सकता है जो इसके मेन अटैक होते हैं। सो म्यूटो ने साइड स्ट्राइक करा, हम पहले साइड स्ट्राइक की तरह ना जाके। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे शेडो स्नीक करूँगा। दोस्तों मेरे शेडो स्नीक करने से पहले ही बंदे का अटैक आ जाएगा। दोस्तों दूसरा साइड स्ट्राइक ना लेते हुए हम यहाँ पे शील्ड यूज़ करेंगे। और दोस्तों अब हम अपना शेडो स्नीक की तरफ जाएंगे, देखते हैं सामने वाला बंदा दोस्तों शील्ड यूज़ करता है कि नहीं। दोस्तों सामने वाले बंदे ने शील्ड यूज़ नहीं करा, म्यूटू बिल्कुल ही दोस्तों ख़त्म। तो दोस्तों अगला इनका पोकेमोन है नीडो क्वीन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से शेडो स्नीक की तरफ जाऊँगा। नीडो क्वीन दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है, पॉइजन और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है जो हमारे एम्फोलियन जो हमारा वाटर टाइप पोकेमोन है उसके सामने वीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब गिराटीना को मतलब मरने दे दो या कह दो ख़त्म कर लूँगा ताकि हम दोस्तों यहाँ पे अपने एम्पोलियन को ला सकें। दोस्तों सामने वाला बंदा लेके आ चुका है बिलूम। दोस्तों बिलूम एक ग्रास और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जिस पे दोस्तों फ्लाइंग टाइप का असर होता है क्योंकि दोस्तों ये एक ग्रास। दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कि जो अपना ड्रिलूम है वो दोस्तों ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बंदे ने अर्थ पावर करा, हमारे पास एक शील्ड थी। दोस्तों ये मैच भी हम बहुत ही आसानी से जीत चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि GBL में जीतना बहुत ही आसान होता है, मतलब बहुत ही आसान। आप 5 से कम 3 मैच तो जीत ही सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने तीसरे बैटल बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी तो फटाफट से कर दो यार। तीसरे बैटल की तरफ बढ़ेंगे, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे गिराटीना वर्सेस गिराटीना है। तो दोस्तों अब देखने की बात ये होगी कि पहले हमारा ड्रैगन क्लो जाता है या उसका। दोस्तों यहाँ पे सामने वाले बंदे का ड्रैगन क्लो आ चुका है, हम पहले बिल्कुल भी शील्ड यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही पिछले राउंड में बताया, दोस्तों यहाँ पर अब मैं अपने ड्रैगन क्लो की तरफ जाऊँगा। दोस्तों जैसे ही मैं अपना यहाँ पर ड्रैगन क्लो कर लेता हूँ, सामने वाला बंदा भी शील्ड यूज़ नहीं कर रहा है। दोस्तों फिर से यहाँ पे मैं ड्रैगन क्लो उस अपनी गिरेटिना पे उसके गिरेटिना का लेना चाहूँगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अपना ड्रैगन क्लो करता हूँ, देखते हैं आप सामने वाला बंदा शील्ड यूज़ तय कि नहीं करता। दोस्तों अगर सामने वाले बंदे ने शील्ड यूज़ कर ली तो दोस्तों अब यहाँ हम अपने एम्फोलियन पे आएंगे। दोस्तों एम्फोलियन जो है कि एक स्टील और वाटर टाइप पोकेमोन है, इस पे हमारे ड्रैगन मूव्स का असर बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब होता है बट बहुत ही थोड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गिराटीना को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं बैक में इनके पास कौन सा पोकेमोन है। तो दोस्तों इनके पास है बैक में स्लैकोथ। तो दोस्तों स्लैकोथ जो कि एक वाटर टाइप पोकेमोन है, इस पे वाटर मूव्स का असर कुछ खास नहीं होगा, इसलिए दोस्तों मैं अपने ड्रिल पैक की तरफ जाऊंगा जो कि एक फ्लाइंग मूव है। सामने वाले बंदे ने दोस्तों अपनी पहली शील्ड यूज़ कर ली है। दोस्तों मैं अपने दूसरे ड्रिल पैक जो मेरा रेडी हो चुका है मैं उसकी तरफ जाऊँगा, देखते हैं सामने वाला बंदा अपनी दूसरी शील्ड देता है कि नहीं देता है। देख दोस्तों सामने वाले बंदे ने अपनी शील्ड यूज़ नहीं करी। दोस्तों यहाँ पे अब मैं शील्ड यूज़ करूँगा क्योंकि
दोस्तों हमारे पास जो ग्रेटिना और जो अपना एम्पोलियन है इसकी हेल्थ बहुत ही कम है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ग्रेटिना जाऊँगा, ग्रेटिना का ड्रैगन क्लो रेडी हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा सामने वाला ओपोनेंट है वो शील्ड यूज़ करता है कि नहीं करता दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले बंदे ने शील्ड यूज़ कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एम्फोलियन को लाके शील्ड यूज़ करके इसको फार्म डाउन करने की कोशिश करूँगा, मतलब ख़त्म कर दूँगा सामने वाले बंदे को। दोस्तों अभी तक उन्हें पता हमारा आखिरी पोकेमॉन कौन सा है और हमको भी नहीं पता दोस्तों उनका आखिरी पोकेमॉन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्लैकआउट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया दोस्तों। का लास्ट पोकेमॉन है दोस्तों रोजीरेड। दोस्तों रोजीरेड जैसे कि एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, इस पर हमारे फ्लाइंग मूव का असर बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्रिल पैक कर ली, देखा दोस्तों आधी से ज़्यादा बंदे की हेल्थ ख़त्म कर दोस्तों ये अगर ये। तो दोस्तों फाइनल हमारा पोकेमॉन हमारा मग उतर चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मैच भी हमने बहुत ही आसानी से जीत लिया है। सामने वाले बंदे ने करा लीफ टोनेडो, बट दोस्तों हेल्थ ही नहीं बची थी तो क्या ही कर सकते हैं अब हम। तो देखा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने यूविन शो कर दिया है। तो दोस्तों हम अपने अगले बैटल की तरफ बढ़ेंगे, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे गिराटीना के सामने आ चुके हैं वेलिरिन। वेलिरिन दोस्तों एक आइस और वाटर टाइप पोकेमोन है दोस्तों। बंदे ने स्वाइप कर लिया है चार्मर में दोस्तों। अब हम यहाँ पे अपना मक मक पोकेमोन नहीं लाएंगे क्योंकि दोस्तों हम जो मक है उस पर पॉइजन जैब रन नहीं कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं दोस्तों स्नोरल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एम्फोलियन लाके इस ग्रैंड बुल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों इसके पास भी रोजरेड है दोस्तों। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं हमारा दो ड्रिल पैक रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं बैक टू बैक ड्रिल पैक की तरफ जाऊँगा, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया रोजरेड एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है जिसके ऊपर हमारे जो फ्लाइंग मूव्स हैं इनका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो देखते हैं दोस्तों बंदा, तो दोस्तों बंदे ने अपनी दूसरी शील्ड नहीं यूज़ करी दोस्तों। अब मैं यहाँ पे अपना वापस से गिराटीना लाके इसके रोज़ रेड को ख़त्म करूँगा। तो देखा दोस्तों बंदे ने सामने वाले ने खुद ही नहीं लेफ्ट कर दिया, मतलब वो बंदे ने खुद ही उम्मीद छोड़ दी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हम ये मैच भी जीत चुके हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया कि गिराटीना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है ओपन अल्ट्रा लीग में। तो दोस्तों हम अपना अगला बैटल शुरू करें, उससे पहले जो आपका एम्पोलियन है उसको आपको दोस्तों एज अ सेफ स्वाइप यूज़ करना है गिराटीना के साथ। तो दोस्तों हम अपना बैटल शुरू करेंगे, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे गिराटीना के सामने आ चुका है दोस्तों स्वॉम्पट। दोस्तों स्वॉम्पट एक वाटर और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है दोस्तों। यहाँ पे अब स्वॉम्पट अपना क्या कहते हैं हाइड्रो कैन यूज़ करेगा दोस्तों, बट यहाँ पे मैं शील्ड ना यूज़ करते हुए अपनी दो ड्रैगन क्लॉ की तरफ बढ़ूँगा दोस्तों। स्वॉम्पट की जो हाइड्रो कैनन है उनका असर जो हमारे गिराटीना जो कि गोस्ट और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है इस पे कुछ खास नहीं होता है, मतलब 20% कह सकते हैं होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं बैक टू बैक ड्रैगन क्लॉ की तरफ जाऊँगा, देखते हैं सामने वाला बंदा दोस्तों शील्ड यूज़ नहीं करी है सामने वाले बंदे ने दोस्तों। मैं ऐसे ही इसको
अभी भी दोस्तों मैं अब फिर से ये मतलब अपना क्या कहते हैं हाइड्रो कैन यूज़ करेगा, पर दोस्तों मैं यहाँ पे शील्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं थोड़ा सा गिराटीना को बचा के खेलूँगा। दोस्तों अब मैं शील्ड यूज़ अपनी करूँगा। दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा स्वैम्पर्ड के साथ टिका हुआ है। दोस्तों अब मुझे नहीं पता बैक में इसके पास ऐसा कौन सा पोकेमोन है जो हमारे गिराटीना के सामने वीक है। तो मैं स्वैम्पर्ड को डाउन करने के साथ अपना एम्फोलियन में स्वाइप कर लूँगा। दोस्तों अब देखते हैं इनका जो दूसरा पोकेमोन है कौन सा है। दोस्तों इनका दूसरा पोकेमोन है चार्मर। देखिए दोस्तों इनके पास चार्मर है तो हमारे पास भी चार्म क्रैकर है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने गिराटीना को गुड बाय करूँगा हमारी टीम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। दोस्तों अब मैं यहाँ पे एम्पोलियन स्टील फेरी। दोस्तों बंदे के पास भी गिराटीना है। दोस्तों जैसा कि आपको और मुझको लग ही रहा था कि ये बंदा कुछ तो ऐसा कर रहा है हमारे गिराटीना से बचाने के लिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पे मक में शिफ्ट करूँगा। दोस्तों डार्क टाइम मूव्स का दोस्तों जो असर है वो ड्रैगन और गोस्ट टाइप पोकेमोन्स पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। ड्रैगन पे खास असर नहीं होता बट गोस्ट टाइप पोकेमोन्स पे दोस्तों बहुत ही असर होता है। दोस्तों यहाँ पे अब मैं डार्क पल्स की तरफ जाऊँगा। दोस्तों बंदा अपनी शील्ड यूज़ करना स्टार्ट करेगा क्योंकि इसके पास दोस्तों कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। दोस्तों बंदे ने अपनी पहली शील्ड यूज़ कर ली। तो दोस्तों अभी भी हम यहाँ पे शील्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने एम्पोलियन के लिए शील्ड बचाएंगे या मक्के पे ही यूज़ करेंगे। दोस्तों वो एज आवर सिचुएशन मैटर करता है। बंदे के पास भी एक शील्ड है हमारे पास भी एक शील्ड है। तो दोस्तों अब भी मैं शील्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बैक में टोगेकिस है। बट दोस्तों जैसे कि हम टोगेकिस के साथ जीत चुके हैं बट दोस्तों उसके पास भी एक फ्लेम थ्रोअर अटैक होता है जिससे दोस्तों हमको डैमेज हो सकता है। एम्पोलियन क्योंकि स्टील टाइप पोकेमोन भी है इसलिए हमको डैमेज होता है। तो दोस्तों बंदे ने अपनी आखिरी शील्ड यूज़ कर ली। दोस्तों अब मैं यहाँ पे शील्ड यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों हमारे पास एम्पोलियन को गिराटीना के सामने लाना कोई हमारे पास ऑप्शन बनता नहीं है। तो दोस्तों बंदे ने जैसे ही चार्म में स्वाइप करा हमने भी एम्पोलियन में स्वाइप करा। तो दोस्तों देखते हैं बंदे का अटैक रेडी है बंदा क्या यूज़ करेगा फ्लेम थ्रोवर या। तो दोस्तों बंदे ने एंशिएंट पावर यूज़ करा। दोस्तों एंशिएंट पावर एक रॉक टाइप मूव है जिसका पे कोई असर नहीं होता मतलब स्टील टाइप पे कुछ खास असर नहीं होता। सो यहाँ पे मैं हाइड्रो कैनन की तरफ जाके डोगेकिस को ख़त्म करूँगा। दोस्तों अब गिराटीना आ चुके हैं। गिराटीना के सामने दोस्तों मैं फिर से अपना जो दूसरा हाइड्रो कैनन है वो तैयार हो चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूज़ करूँगा। तो दोस्तों अब देखते हैं बंदा अटैक अपने यूज़ करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों बंदे ने अपना अर्थ क्लो यूज़ कर दिया सॉरी ड्रैगन क्लो यूज़ कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अब मैं यहाँ पे अपने डार्क पल्स हमारा रेडी है तो मैं डार्क पल्स से गिराटीना को दोस्तों ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों देखा आपने ये मैच भी हम बहुत ही आसानी और बढ़िया तरीके से जीत चुके हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 5-0 से जीत चुके हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए मंदिर वाले घंटे की तरह। मैं मिलता हूँ आपसे एक और फिर से कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।